हेलो यूट्यूब एंड वेलकम टू टेक्निकल अलाइव यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जुनेद अहमद और आप देख रहे हैं टेक्निकल अलाइव यूट्यूब चैनल। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन शॉर्ट वीडियो एडिटर में इको वॉइस एडिटिंग कैसे कर सकते हैं और इन शॉर्ट वीडियो एडिटर में इको वॉइस एडिटिंग मतलब के इको सेटिंग्स के बारे में जानने के लिए आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, कहीं से भी वीडियो को स्किप या फॉरवर्ड नहीं करना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन के बटन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बिना टाइम जाया के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इन शॉर्ट वीडियो एडिटर में इको वॉइस एडिटिंग करने का तरीका आप दोस्तों को बताने के लिए मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। और स्टेप नंबर वन है कि आपने इन शॉर्ट वीडियो एडिटर को ओपन कर लेना है। इस ऐप को ओपन करने के बाद आपने अपनी वीडियो ऐड कर लेनी है जिसमें आप इको वॉइस एडिटिंग करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी वीडियो ऐड करके रखी हुई है, अब मैं इसकी वॉइस एडिटिंग करूंगा वो भी इको में। अब आपको ओरिजिनल वॉइस इसकी सुना देता हूँ, एक बार प्ले करके आप सुनिएगा। तो बिल्कुल नॉर्मल ओरिजिनल वॉइस है, इसमें कोई भी इको ऐड नहीं है। अब इको ऐड करने के लिए मैं इस वीडियो लेयर को सिलेक्ट करूंगा। इसे सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर वॉल्यूम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। वॉल्यूम के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट ऑडियो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपकी वीडियो में से ऑडियो निकल कर बाहर आ जाएगी। तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है जी, इसी ऑडियो लेयर को सिलेक्ट कर रखना है। इसी ऑडियो लेयर को सिलेक्ट रख के आपने डुप्लीकेट के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास दो डुप्लीकेट आ चुकी हैं आपकी इसी वीडियो की। अब दूसरी जो डुप्लीकेट लेयर हमने ली है यहाँ पर, तो आपने इसे सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्वाइप करना है और इसे पकड़ के आगे की तरफ ले आना है, इस तरह से जिस तरह से मैं लेके आ रहा हूँ, राइट। तो इस तरह से आपने इसे एडजस्ट करना है, स्टार्ट में ले आइएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो ऑडियो लेयर्स हैं, ऊपर वाली लेयर्स को या नीचे वाली लेयर को, दोनों में से किसी को भी एक लेयर को पकड़ के आपने थोड़ा सा पीछे की तरफ स्वाइप करना है इस तरह से, और इस हद तक स्वाइप करने के बाद आपने छोड़ देना है। अगर आप ज्यादा इको रखना चाहते हो तो थोड़ा सा ज्यादा पीछे आप स्वाइप कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल थोड़ा सा माइनर सा पीछे की तरफ स्वाइप किया है। अब मैं इसे प्ले करके आपको दिखाऊंगा और अब यहाँ पर नोटिस करेंगे कि इसमें कितना इको ऐड हुआ है। तो अब मैं इसे प्ले कर देता हूँ, देखिएगा। तो इस तरह से आप इन शॉर्ट वीडियो एडिटर से वही इको वॉइस एडिटिंग कर सकते हैं। अब ये इको इफेक्ट को आप रिमूव कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इको इफेक्ट को रिमूव करने के लिए दोबारा से आपने स्पीकर के ऑप्शन पर क्लिक करना है या यहाँ पर सॉन्ग्स का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और इस लेयर को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। तो जैसे ही आप इस लेयर को डिलीट करेंगे, आपको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ, वापस आप यहाँ पर नॉर्मल वॉइस में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इको वॉइस एडिटिंग कर सकते हैं इन शॉर्ट वीडियो एडिटर में। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट उन लोगों के लिए जिनका पोएट्री चैनल है, पोएट्री चैनल वाले हजरात लोगों के लिए इको वॉइस एडिटिंग करने का सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन इन शॉर्ट वीडियो एडिटर है। आई होप कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।